हेलो एवरीवन, आज हम अंकुरित चने की करी बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से ये चने को मैंने अंकुर निकाल लिए हैं। इसके बाद इस चने को मैंने कुकर में लगाया था, 3-4 सीटी कर लिए, तो ऐसा ये चना गल जाना चाहिए, अच्छे से पक जाना चाहिए। और जो हमें मसाला पीसना है उसके लिए मैंने खोबरा लिया है, लहसुन की 7-8 कलियाँ, इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली मैंने ली है। इसको हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ऐसे हमें पीसना है। अंकुरित चने में कार्ब्स और प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट करके लिए है, 1/2 टमाटर लिया है, 1 आलू लिया है, इसको मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक जगह पे पैन रख दिया है, इसमें ये मेरा तेल गरम हो चुका है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग डाला है, करी लीव्स डाले हैं, और ये जो हमने मसाला पीसा था वो इसमें हम फ्राई करके लेंगे। और इसमें कार्ब्स और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए इसका सेवन करने से हमारे शरीर में ताकत बनती है और जिसमें हमें दिन भर कमज़ोरी महसूस नहीं होती है। मगर जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है उनको अंकुरित चने का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने प्याज में थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि प्याज अच्छे से गल जाए। फिर ये जो मैंने आलू कट किया था वो भी इसमें डाल रही हूँ, और ढक्कन रख के प्याज को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए ये प्याज हमारा अच्छे से पक चुका है। अपने आहार में हमेशा 50% अंकुरित अनाज होना चाहिए, 35% सब्जियाँ होनी चाहिए और 15% फल हमेशा शामिल करना चाहिए। अभी जो हमने मसाला पीस लिया था कोकोनट का, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हमें इसको ऐसे अच्छे से सौटे करके लेना है। ये अंकुरित अनाज की करी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँ। पहले जो मैंने डाली थी लाल मिर्च पाउडर वो तीखी वाली डाली थी पीसते समय, अब मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है अच्छा रंग आने के लिए। फिर इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो चने का पानी था और प्लस चने, दोनों साथ में डालना है। ये चने का जो पानी है हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, इससे स्वाद हमारा करी का और बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल इस सामान्य व्यक्ति के लिए 4 कप अंकुरित अनाज की आवश्यकता है, जैसे 2 कप लंच में ले लिया और 2 कप डिनर में ले लिया, मगर अंकुरित अनाज खाना ही चाहिए। तो देखिए इस चने को थोड़े से मैंने प्लेट में निकाल लिया है, उसको ऐसे में दबा के पेस्ट करके डाल रही हूँ। इससे क्या हो जाएगा, हमारी ग्रेवी को अच्छा सा थिकनेस भी आ जाएगा और उसका जो टेस्ट है और एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए ये ऐसे करके मैंने डाला है, ये अच्छे से हमें अभी उबाल, एक अच्छे से उबाल आनी है। नमक डाल है, स्वादानुसार आप नमक डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने सेंधव नमक का इस्तेमाल किया है, सेंधव नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। तो देखिए एक अच्छे से बाफ मैंने निकाल ली है, ये अच्छे से हमारी करी तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, ऊपर से हरा धनिया डाल रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।